नमस्कार, स्वागत है आप लोग अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा दसवीं सामाजिक विज्ञान जो इतिहास का तीसरा चैप्टर है हम लोग का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप अपनी तैयारी के प्रति सचेत हैं और सीरियस हैं तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। भूमंडलीकृत विश्व बनना का ये जो तीसरा चैप्टर है हम लोग का हिस्ट्री का, सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसमें जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, पूरा का पूरा टोटल क्वेश्चन जो है लगभग 25 क्वेश्चन है। अभी आपको यहाँ पे 10 दिखाई दे रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो जो भी मैं व्याख्या बताऊंगा, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं व्याख्या बताऊंगा उस व्याख्या को आप लोग नोट करते रहिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, यदि आप ये चैप्टर का थ्योरी क्लास लिए होंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखें मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और आप लोग को मालूम है 10 दिसंबर 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका, 10 दिसंबर को, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था। याद रखिए विश्व व्यापार संगठन यानी जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। याद रखिए कब स्थापना हुआ था इसका, इसका स्थापना हुआ था आपका 1 जनवरी 1995 को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इससे संबंधित और भी टॉपिक आप याद रख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में, याद रखिए। और जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा क्या क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है ना। उसके बाद 1785 में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया, याद रखिएगा सूत काटने वाली मशीन जो 1785 में आविष्कार किया गया था, जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा जो है सूत काटने वाली मशीन का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो तीसरा प्रश्न का राइट उत्तर होगा हमारा जेम्स हरग्रीव। देखिए पहले नंबर बात कि ये जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, आप लोग को मालूम है कि टोटल आप लोग का 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर के पेपर में आप लोग को मालूम होगा 20 क्वेश्चन जो है आपके MCQ में आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 10 नंबर का जो है मानचित्र का कार्य है, 30 नंबर आपको ऐसे प्रैक्टिकल में मिल जाता है 30 नंबर, तो 30 नंबर ये और 30 नंबर ये, तो 60 नंबर तो लगभग मानकर चलिए तय है ऐसे ही। अगर जो आप ये सीरीज फॉलो करते हैं वीडियो, इसके पहले 2 चैप्टरों का वीडियो बहुविकल्पियों का, बहुविकल्पी प्रश्नों का और अति लघुत्व प्रश्नों का जो वीडियो है मैं डाल दिया हूँ चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन आपका MCQ हो गया, 10 हो गया मानचित्र का, मानचित्र से संबंधित भी वीडियो बनाकर हम डाले हुए हैं और कुछ नए टॉपिक का भी वीडियो हम बना करके कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में हम डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। और एक दूसरी बात यह है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक को इसको नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है हमारा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो में उनका जवाब जरूर दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए तो इसकी तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ऐसे ही। चलो और देखते हैं कि वह बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी। देखिए ये चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कैसे हमारा जो ये दुनिया पे जितने भी देश हैं, दुनिया के जितने देश हैं, कैसे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हुए थे। तो बहुत सारे कारण जो इसमें हम व्याख्या तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम यहाँ प्रश्न कुछ लेकर आए हैं। अगर जो आप चाहेंगे कि थ्योरी क्लास लें तो उसको हम वीडियो बना करके डाल देंगे, अगर जो आपकी इच्छा होगी तो। चलिए देखा जाए तो वह बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, उस बीमारी का नाम क्या था, तो उस बीमारी का नाम था चेचक, याद रखिए। यानी चेचक नामक बीमारी, अब यूरोपीय जितने थे, यूरोपीय में कौन कौन आते हैं, तो आपके इंग्लैंड के यानी जो ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, ये सब यूरोपियन है। ऐसा नहीं कि यूरोपियन का मतलब सिर्फ ब्रिटिशर की बात नहीं हो रहा, सबकी बात हो रहा है, ठीक है ना। तो वह बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, उस बीमारी का नाम क्या था, चेचक। आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था, याद रखिएगा आर्थिक मंदी का जो दुष्प्रभाव पड़ा था वो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, अमेरिका पर, याद रखिए आर्थिक मंदी का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था, अमेरिका पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ
किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी का जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो याद रखिए, रिंडरपेस्ट क्या था? बीमारी था। रिंडरपेस्ट क्या था? एक बीमारी था, ठीक है ना। उसके बाद है कि गैट की स्थापना क्या कब हुई थी? याद रखिए, गैट, GATT, गैट। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रॉफिक। याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1947 ईस्वी में, ठीक है ना। 1947 यानी जब आप लोग का देश आजाद हुआ था, आप लोग का नहीं भाई, हम लोग का, भारत जब आजाद हुआ था उसी समय स्थापना हुआ था गैट का। गैट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रॉफिक, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुआ था 1947 ईस्वी में, ठीक है ना, 1947 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद कोलंबस ने किस महाद्वीप का खोज किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको जानकारी होगा। कोलंबस ने किस महाद्वीप का खोज किया था? अमेरिका महाद्वीप का खोज किया गया था, वो अभी बाय मिस्टेक, ठीक है ना, यानी गलती से अमेरिका खोज हुआ था। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है, प्रयास करिएगा कि कमेंट में जवाब जरूर दें। तो अमेरिका का खोज कब किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का निवासी था, प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए उसके बाद है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का अमेरिका किस देश को, किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एल डोराडो, नाम याद रखिएगा, एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है, एल डोराडो कहा जाता था, ठीक है ना। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? वो एल डोराडो को जो है सोने का शहर कहा जाता था, ठीक है ना। तो चलते हैं 11वें प्रश्न पे, तो आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? देखिएगा, कैनाल किसे कहा जाता है? तो कैनाल बोला जाता है बड़ी नहरों को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कैनाल कॉलोनी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये नहर हो गई, ठीक है ना, तो नहरों के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनकी जो कॉलोनी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं केनाल कॉलोनी, यानी उस समय कहा जाता था केनाल कॉलोनी। किसे कहा जाता था? तो नहरों के किनारे बसे हुए लोगों की कॉलोनी को केनाल कॉलोनी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद कह रहा है कि व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? देखिए, व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? आप लोग को तो मालूम होगा कि आयात और निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई देश है, ठीक है ना, और कोई सामान वो मंगा रहा है, इसका मतलब कि वो आयात कर रहा है, ठीक है ना। और फिर यदि किसी सामान को भेज रहा है तो निर्यात कर रहा है, यानी एक तरह से यही समझ लीजिए, मतलब आ रहा है तो आयात हो रहा है, निकाल रहा है तो निर्यात हो रहा है। तो आयात किए गए वस्तुओं का मूल्य प्लस निर्यात किए गए वस्तुओं का मूल्य, और दोनों का जब डिफरेंस कर देंगे यानी अंतर निकालेंगे, तो उसी को बोला जाता है व्यापार अधिशेष। मुझको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, व्यापार अधिशेष किसे कहा जाता है? तो आयात किए गए मूल्य यानी आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का जो अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार अधिशेष, याद रखिएगा। उसके बाद है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 ईस्वी में लागत को कम करने का निर्णय लिया था, लागत मूल्य जानते ही होंगे आप, अगर जो कोई व्यापार कर रहा है, जो आपका कास्ट प्राइस है यानी जितना आप मुद्रा या जो भी पूंजी आप इन्वेस्ट करते हैं उसको लागत मूल्य कहा जाता है। तो कह रहा है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 ईस्वी में लागत को कम करने का निर्णय लिया था, उस उद्योगपति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उस उद्योगपति का नाम था हेनरी फोर्ड, ठीक है ना। क्या नाम था? हेनरी फोर्ड, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा थर्ड का, हेनरी फोर्ड, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो देखने के लिए तो एक ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे आपके। पहला, यह स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1945 ईस्वी में। उसके बाद मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आप लोग को मालूम है, बहुत आसान प्रश्न है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो याद रखिए, स्टार्टिंग पूछ रहा था, स्टार्टिंग कब का हुआ है? 1914 में, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में। उसके बाद है IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड, हम कह सकते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में, यानी देख रहे हैं एक साल पहले जो है आईएमएफ का स्थापना हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था आपका अमेरिका में। कहाँ आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था आपका अमेरिका में, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा जो ब्रेटन वुड्स संस्था थी उस समय उसका जो मुख्यालय था, यानी संस्था का जो मुख्यालय था, ब्रेटन वुड्स संस्था का मुख्यालय भी कहाँ था, अमेरिका में, ठीक है ना। और 1944 में आयोजन कहाँ किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का, ये भी किया गया था आपका अमेरिका में। वीडियो यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।